देखिए दोस्तों, कोसी बांध जो है भूगोल का वो टूट चुका है दोस्तों। रात 12 बजे ही बांध टूटा है और यूं कहते हैं लोग कि कोसी अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए रास्ता ऐसा बना ली कि 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए धसना गिर रहा है दोस्तों, कटान शुरू हो गया है। एक कोसी इधर है जो भयावह तस्वीर दिख रही है और एक इधर नया रास्ता बना ली है जो जमालपुर और एने को 20-25 गांवों को डुबा रहा है। मिनटों में पूरा गांव डूब गया और अभी तक न नाव मिला न राहत सामग्री मिली। कुछ मिला नहीं, देने के लिए मर रहा है, मर रहा है सर, मर रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसी भयानक तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। हर घर यानी कितना घर था इधर जो कट गया, 2000-5000 घर से ऊपर भांस गया। देखिए दोस्तों, 5000 घर था और भांस गया, 5000 घर था, 5000 घर भांस गया, लोग आलोकित हो गया, देखते नहीं है। बताइए दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि यह भयानक तस्वीर भूगोल की है। जमालपुर से थोड़ा आगे किरतपुर प्रखंड में पड़ता है और ये पानी जो जा रहा है ये पूरा जमालपुर अनेकों इलाकों में बिरौल तक फैलेगा दोस्तों। कमला बलान और इधर कौन सी नदी थी ये बगल में जिसमें कट के गया है, ये कोसी से कट गया बलान में, कोसी से कट कर कमला बलान में गया है दोस्तों। वही कमला बलान जो लगातार अपना अपडेट दे रही थी, लगातार बता रही थी कमला बलान कि हम ओवरफ्लो हो गए हैं, हम आपको बाढ़ में डुबो देंगे। कोसी बैराज में आपने देखा कि किस तरह कोसी बैराज से पानी निकला और किस तरह मिथिलांचल की ओर बढ़ा, मिथिला क्षेत्र की ओर बढ़ा। देखिए लोगों का भीड़ कितना लग गया है, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं। और ये रास्ता हुआ करता था दोस्तों, आज रास्ता नदी में बदल गया, कोसी ने अपना नदी। और बताया जाता है कि जब 87 का बाढ़ आया था तब जाकर ये जो बांध है वो टूटा था, और 87 के बाद सोचिए 87 के बाद अब जाकर ये बांध टूटा है। 87 में टूटा था, आपकी एज भी नहीं, 87 टूटा था ना वहाँ पर, 68 में टूटा था, 87 में टूटा था, 24 में टूटा है। बताइए दोस्तों, लगातार बांध टूट रहा है, रात में ऐसा बांध टूटा न डीएम साहब रोक पाए न डीएसपी साहब रोक पाए, सभी अपना हाथ खड़ा कर दिए। आज देखिए मंजर दिख रहा है आपको, ये रास्ता जो है नदी में बदल गया। दूर तक जूम करके आपको दिखाएंगे, देखिए दोस्तों क्या हाल हो गया है। और इस साइड दिखाएंगे थोड़ा दूर से, देखिए इस साइड एक गांव है जिधर आदमी फंसा हुआ है दोस्तों, इसी रास्ता होकर जाते थे। और ये पीपल का पेड़ भी जाने ही वाला लग रहा है, और इधर कुछ वृक्ष थे वो भी चले गए, चला गया। सारा देखिए नदी में बदल गया है दोस्तों, और कोसी एक नया रास्ता बना ली है और मिथिलांचल की ओर बढ़ गई है। देखिए काफी लोग देख रहे हैं, लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो को और हैशटैग लगाकर दरभंगा डीएम को टैग करें, हैशटैग लगाकर नीतीश कुमार को टैग करें, @ लगाकर उनको टैग कर दें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे और राहत सामग्री मिले। अभी तक कम से कम लाओ तो देगा, लोग यहाँ मर रहा है, छप्पर पर खड़ा है, छप्पर पर सब खड़ा, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार उसकी व्यवस्था करे। और यहाँ दूर तक देखिएगा दोस्तों, सारे लोग रोड पर आ गए हैं, सारे रोड रात भर सोए नहीं है, अपना भाग गया घर में जाए। तो देखिए जितने भी क्षेत्र है, अच्छा एक बात बताइएगा, इधर कितने क्षेत्र आते हैं, दरभंगा तक तो पूरा क्षेत्र समझ लीजिए, दरभंगा तक यानी पूरा दरभंगा जिला डूबेगा। देखिए दोस्तों, गांव के लोग भी लगातार रात से मेहनत कर लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट धसना गिरा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से ये लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कटान शुरू है, कोसी नदी अपना कहर बरपा रही है इस क्षेत्र के लोगों को। दरभंगा जिला की ओर रुक कर लिया है कोसी का पानी और पूरे दरभंगा जिला की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और पूरे दरभंगा जिला को ये डुबाएगा। देखिए किस तरह कटान किया जा रहा है, नदी किस तरह कटान कर रही है। आपने देखा था कि भागलपुर के मसौड गांव में 400 घर बस्ती जो था, 400 घर गंगा नदी में समा गया, 2 मंजिला इमारत 3 मंजिला इमारत वो सब समा गया। उसी तरह देखिए, और ये पीपल का पेड़ ही कुछ देर में इस नदी में जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये खतरा की घंटी जो दिख रही है आपको, ये कोसी नदी जो दिख रही है, जो कोसी बैराज से पानी छूटा था, ये देखिए पीपल का पेड़ भी कुछ देर आया, हट जाइए वहां से, पीपल का पेड़ जाने वाला है। देखिए कटान शुरू है दोस्तों, लगातार शुरू है। आप लोग @ लगाकर नीतीश कुमार लिखिए, आप लोग @ लगाकर नरेंद्र मोदी लिखिए, आप @ लगाकर दरभंगा डीएम लिखिए ताकि यहाँ के लोगों को मदद मिल सके। काफी लोग उधर फंसे हुए हैं दोस्तों, और लहर देखिए कितना तेज लहर जा रहा है, और वहाँ पानी टकरा रहा है, उधर भी कटान हो रहा है ना,
घर भांस गया, सबका मकान मुकाम सबका लेकर के डूब गया है, सब चला गया, सब तो गिर गया है, इसीलिए के लाओ भेजिए, आदमी वहाँ छरपटा छरपटा के मर रहा है पानी में डूब करके। देखिए दरभंगा जिला का कीरतपुर प्रखंड का भूगोल चौक है ना, भूगोल चौक है, भूगोल में बांध टूट गया है दोस्तों, ये इस खबर को वहाँ तक पहुँचाइए ताकि लोगों को मदद। चार किलोमीटर दूरी है, चार किलो से भी ज्यादा टूटा हुआ, ये सारा रोड था, पूरा रोड है दोस्तों, 4 किलोमीटर टूट गया है। जितने भी लोग हैं जमालपुर के, बिरौल के, जितने भी बेनीपुर साइड के लोग हैं, दरभंगा जिला के लोग हैं, आप सतर्क हो जाइए, अगर निचले इलाके में हैं तो आप ऊंचे जगह पर चले जाइए। हम 12 बजे रात से आपको लगातार यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह कटान शुरू है दोस्तों, किस तरह रोड भांस रहा है। इसी जगह से हमने तस्वीर दिखाई थी रात में, 12:12 पे आपको इसी जगह पर तस्वीर दिखाई थी रात के 12 बजे। और अभी देखिए पीपल का पेड़ जाने वाला है दोस्तों, पीपल का पेड़ पूरा खाली हो चुका है, और थोड़ा दूर हटिए, पीपल का पेड़ गिरने वाला है और धीरे धीरे कटान बढ़ रहा है। देखिए एक गरीब की कुटिया है, इस कुटिया को भी ये पानी लेकर चला जाएगा, इसको भी लेकर चला जाएगा, लोग खाली कर दिए हैं। और देखिए किस तरह पूरा पीपल का जड़ खाली हो चुका है दोस्तों, और ये पीपल गिरेगा तो पुल को भी नुकसान पहुंचाएगा, पुल टूट जाएगा, पूरे थवा थवा उठ जाएगा। तो देखिए बांध, देखिए किस तरह कटान हो गया दोस्तों, सुबह सुबह ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भयानक मंजर दिखा रहे हैं। दरभंगा जिला की ओर पानी बढ़ चुका है, दरभंगा जिला हाई अलर्ट पर है दोस्तों। और इधर देखिएगा तो बूढ़ी गंडक भी, अपने कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती, करे नदी सब उफान पर है दोस्तों। और उधर गंगा आधे बिहार को डुबाई है, इधर कोसी नदी आधे बिहार को डुबाएगा। और देखिए जड़ खाली हो गया है, पीपल का पेड़ गिरने वाला है दोस्तों, ये देखिए विशालकाय पीपल का पेड़ है जो इस कोसी नदी के कटान में चला जाएगा दोस्तों। और कई गांव है, कई घर है जो कटान हो गया है। और यहाँ बताया जाता है जितनी दूर तक नजर जाएगी आपकी, लगातार कटान हुआ है और लगभग 4 किलोमीटर तक कटान हो गया है। लोग बता रहे हैं यहाँ के, आप यहीं के हैं, यहाँ आए हैं, कैसे खबर मिला? खबर मिला, सूचना मिला जो बांध टूट गया है, मेरा कर कुटुम है, 2 महीने है, देखने आ गए, उसका घर एकदम पूरा डूब रहा है, लाओ ने काफी क्षति हुई है दोस्तों, काफी क्षति हुई है, सारे घर भाषा यहाँ से टोटल घर में टोटल चला गया, टोटल मकान तक दवाई की दुकान था, फलना था, तिलना था, मशीन था, सब एक में बांध गया। देखिए दोस्तों सारा चीज चला गया, अभी तक एक भी वोट नहीं दिया। अच्छा SDRF की टीम, NDRF की टीम, देखिए किस तरह कटान शुरू है, NDRF की टीम कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं अभी। तो देखिए दोस्तों दरभंगा जिला का ये हाल है, जहां गरीबों को मदद नहीं मिल रही है, गाँव में देखिए काफी लोग यहाँ आए हैं, और काफी लोग यहाँ देखिए भीड़ लगाए खड़े हैं, और इस भयावह तस्वीर को देख रहे हैं, इस डरावनी तस्वीर को देख रहे हैं, पूरा जड़ खाली हो गया है दोस्तों, एक गांव ये भस गया, पूरे पूरा गांव ही चल गया, पूरे गांव ये भस गया, भस गया, सही लगान में नरकटिया जमालपुर जक्सों तक भस गया, यहां का भूगोल पूरे गांव का, इंसाफ 24 लाइव। देखिए जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को वहां तक जल्दी पहुंचाइए ताकि लोगों को मदद मिल सके, एक गांव पूरा फंस गया है। यहां के लोग बता रहे हैं कि काफी लोग फंसे हुए, काफी लोग छत पर हैं। और देखिए इस स्पीड को देख लीजिए पानी के, यानी सारा पानी कोसी बैराज से जो छूटा वो यहाँ बांध तोड़ कर दरभंगा की ओर रुख कर लिया, और यही जो है नारबान हो गया, बागमती हो गया, सारे में यही पानी जाएगा और तबाही बरपेगा, कई घर को तोड़ेगा। देखिए काफी लोग जुड़े हुए हैं लाइव से, लाइव तस्वीर को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। और देखिए भीड़ दिखाएंगे, लगातार कटान बढ़े, देखिए ये भी कट गया पूरा, इधर से भी पानी जाने लगा क्या? हाँ हाँ ये पेड़ जाने वाला है, इधर से भी जाने लगा, हाँ इधर भी जाने लगा। बताइए दोस्तों पेड़ गिरने वाला है दोस्तों, देखिए इस देखिए दोस्तों लाइव कट रहा है बार बार, नेटवर्क इशू है क्योंकि कोहरा लगा हुआ है, जिधर जिधर नजर जाएगी पानी का भाव बनकर उड़ रहा है, स्पीड देख लीजिए पानी का। और इस साइड से भी कटान शुरू हो गया है, गाछ कुछ देर में जाने ही वाला है, और ये गाछ जाएगा तो जरूर 20-30 मीटर को लेकर जाएगा, यही ना होगा, इसका जड़ सब बहुत दूर तक होता है, यहाँ तक आ जाएगा, कम से कम 50 दूरी बना लेगा। देखिए दोस्तों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क की वजह से, फिर भी लगातार आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भयानक मंजर दिखा रहे हैं,
और ये गाछ देखिए पीपल का पेड़ है जो इस साइड से भी अब पानी क्रॉस करने लगा, दोनों साइड से पानी क्रॉस करने लगा। अब थोड़ी देर के बाद ये पीपल का पेड़ इस नदी में चला जाएगा और यही वो रास्ता है जो सुबह सुबह लोग आते थे पूजा पाठ करते थे।